भारत में कौन फिल्में या क्रिकेट देखना पसंद नहीं करता? मेरा मानना है कि भारत में लगभग हर दूसरा व्यक्ति क्रिकेट देखना पसंद करता है और फिल्मों को हद से ज्यादा प्यार करता है। भारतीय फिल्म उद्योग दुनिया का सबसे बड़ा फिल्मी उद्योग है, जहां पर पैसा बरसता है। तो आइए जानते हैं, 2020 में ऐसे कौन से एक्टर थे जिन्होंने छप्पर फाड़ के पैसा कमाया? कार दोस्तों, मेरा नाम है नील और आप देख रहे हैं बॉलीवुडकैलेंडर.com। सलमान खान, बॉलीवुड के सुल्तान, इनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। इन्हें इंडस्ट्री में ब्रांड के रूप में माना जाता है। वैसे तो ये एक्टर दुनिया का सितारा बन चुका है। इनके फॉलोअर्स लगभग बिलियंस में हैं और शायद यही कारण है कि बॉलीवुड में सबसे ज्यादा पेमेंट चार्ज करने वाले ये एक एक्टर हैं। इन्होंने हाल ही के दिनों में जिन फिल्मों को साइन करा, उसके लिए इन्होंने 50 करोड़ रुपए की राशि चार्ज करी। हम तुम्हें इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से ले और बातें कहां से। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले ये एक्टर साल में एक ही फिल्म करते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी मैटर करती है। इसीलिए वे साल में सिर्फ एक ही या एक वक्त में एक ही फिल्म करना पसंद करते हैं। हाल ही के दिनों में उन्होंने दंगल फिल्म करी, जो हिंदी फिल्म जगत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। आमिर खान अपनी फिल्म के लिए वैसे तो कोई चार्ज नहीं करते, लेकिन ऐसा माना जाता है कि फिल्म से होने वाली कमाई लगभग 50 करोड़ रुपए है। कल की बस एक ही स्ट्रेटजी है बेटा, कल तन्ने इस तरह लड़ना है कि लोग तन्ने याद रखें। अगर सिल्वर जीती। बॉलीवुड के किंग खान यानी कि शाहरुख खान, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत फिल्म दीवाना से करी थी, जो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कलेक्शन तो नहीं कर पाई थी, लेकिन उन्होंने वक्त के साथ अपने आप को इंडस्ट्री में कुछ इस तरीके से स्थापित किया कि आज वो बॉलीवुड में किंग खान कहलाते हैं। उन्होंने अपना एक प्रोडक्शन हाउस भी चला रखा है, जिसका नाम रेड चिली एंटरटेनमेंट है। और ऐसा माना जाता है कि शाहरुख खान अपनी एक फिल्म के लिए लगभग 40 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। डॉन 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 को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन। बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार, इनके बारे में ये कहा जाता है कि वो हर मौसम के हिसाब से अपनी फिल्म बनाते रहते हैं, कि जितने मौसम हैं तो उतनी फिल्में उनकी तय हैं। लेकिन इंडस्ट्री में अब तक 100 से ज्यादा फिल्मों में काम करने के बाद भी उनकी एनर्जी का लेवल वही है। और ऐसा माना जाता है कि अक्षय कुमार अपनी फिल्म के लिए लगभग 40 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। नाम 72, जिला मलखानपुर, गांव तासी, सर पे हाथ रबदा, इधर देखो हाथ में 786। ऋतिक रोशन बॉलीवुड के मोस्ट हैंडसम मैन में से एक हैं। उनको दुनिया के टॉप 10 हैंडसम मैन में भी गिना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ऋतिक रोशन अपने आप में एक इंडस्ट्री है। उनकी खूबसूरती और उनकी एक्टिंग दोनों उनके करियर में 4 चांद लगाने में कोई कमी नहीं छोड़ती। कहो ना प्यार है से अपने करियर की शुरुआत करने वाले ऋतिक रोशन आज के दिन में अपनी फिल्मों के लिए कम से कम 35 से 40 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। ये खेल उन्होंने शुरू किया था, तमाशा आप लोगों ने देखा, खत्म मैं करूंगा। अजय देवगन बॉलीवुड में बहुमुखी अभिनेताओं में से एक। वैसे तो अजय देवगन अपने एक्शंस के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। ये फिल्में जैसे गोलमाल, सिंघम और राजनीति ने उनके करियर में 4 चांद लगाए। और ऐसा माना जाता है कि अजय देवगन अपनी एक फिल्म के लिए लगभग 20 से 25 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। अपने आप से और अपने गुस्से से तू अब तक बचा हुआ है, क्योंकि मैंने शादी से पहले इससे वादा किया था कि मैं ये काम छोड़ दूंगा। आज से मैं ये काम छोड़ रहा हूं सेवियर। फिल्म बैंड बाजा बारात के हीरो दीपिका के हस्बैंड और आजकल युवाओं के दिल की धड़कन बने ये सितारे कभी अक्षय कुमार के फैन रह चुके हैं।
और आजकल ये अपनी फिल्मों के लिए लगभग 20 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रणवीर सिंह की, जो हमारी लिस्ट में सातवें नंबर पर आते हैं। मलिक कफूर, मलिकाए जहां से पूछो कि आज सुल्तान के सामने खाने में क्या पेश होगा। हिरन, काबुली पुलाव, कोरमा, आलू बुखारा। जब खाने को इतना कुछ है तो हम खौफ क्यों खाएं? रणबीर कपूर, बॉलीवुड में इन्हें चॉकलेटी हीरो के नाम से भी जाना जाता है। उनकी फिल्मों की बात करें तो ये जवानी है दीवानी, बर्फी, तमाशा, ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जिन्होंने उन्हें इंडस्ट्री में सभी हीरो के बराबर लाकर खड़ा कर दिया है। और वो अपनी एक फिल्म के लिए लगभग 20 से 25 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। बिग बी, यानी कि अमिताभ बच्चन, यानी कि बॉलीवुड के शहंशाह, जिनके लिए उम्र शायद मायने नहीं रखती है। उनकी फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है कि आज भी बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स उन्हें एक फिल्म के लिए 12 से 15 करोड़ रुपए तक ऑफर करते हैं। सर, जमीन हिंदुस्तान, अस्सलाम वालेकुम। एक ऐसा लड़का जिसने अपनी इमेज बॉलीवुड में चॉकलेटी बॉय की तरह बना रखी थी, जिसने अपने करियर की शुरुआत इश्क विश्क से करी, जिसने आगे चल करके फिल्में जैसे मौसम, पद्मावत, जब वी मेट और ऐसी कई बेहतरीन फिल्में करी, जिसने उसे बॉलीवुड में 10 बेहतरीन एक्टर्स की लिस्ट में खड़ा कर दिया, जो अपनी फिल्म के लिए बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं। हम बात करें एक्टर शाहिद कपूर की, जो अपनी एक फिल्म के लिए लगभग 10 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3, हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो 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 हेलो। तो ये थे बॉलीवुड के 10 सबसे महंगे सितारे जो अपनी फिल्मों के लिए करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि इनमें से आपका फेवरेट सितारा कौन है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बॉलीवुड कैलेंडर। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।